अब खबर बाड़मेर के समदड़ी से, जहां पर पिछले 5 दिनों से लापता प्रधान पिंकी चौधरी पुलिस को मिल गई है। समदड़ी थाना अधिकारी मीठा राम चौहान ने बताया कि प्रधान पिंकी चौधरी के पिता ने 20 अगस्त को पिंकी के घर से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जबकि पिंकी 18 अगस्त को ही घर से लापता हो गई थी। सोशल मीडिया पर भी कई तरह की खबरें चल रही थी, लेकिन जब मामला चढ़ा तो पुलिस ने संदिग्ध आरोपी के घर जब पिंकी की तलाशी की तो उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से अशोक चौधरी के साथ रह रही है, किसी तरह का दबाव नहीं है, वह अशोक चौधरी के साथ ही रिलेशनशिप में रहना चाहती है। साथ ही उसने ससुराल वालों के खिलाफ भी किसी तरह की कार्रवाई से इनकार किया है। पतारसी के दौरान, 5 दिन की पतारसी के दौरान मुखबिर मामूल के सोर्स लगाए, जो भी पुलिस से संभव होता था वो कार्य किए। आज मुझे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि पिंकी प्रधान घर पे अपने गांव आ चुकी है पीएल में। मैं यहाँ से गया, वहाँ गया, उसके पिता के घर पे पूछा तो वो वहाँ नहीं मिली, पर जिस पर संदेह था उसके घर पर पहुँचा, वहाँ पर पिंकी मिली। उससे मैंने पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं अकेली गई थी और मेरी मर्जी से गई थी। शादी के बारे में उसने पूछा तो उसने बताया कि मैंने अभी तक फिलहाल शादी नहीं की है। मैं अशोक स्वरूप सोहनलाल चौधरी निवासी गोड़ियान चौधरी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। इसके अलावा उसने अपने ससुराल वालों के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करने का कहा। फिर उसके बयानों के मुताबिक वो अपने अशोक के साथ रहना चाहती थी और खुद बालिक है, इसलिए उसको वहाँ पर उसके बयान हमारी कार्रवाई थी वो पूर्ण करके आई। बाहर जोधपुर निजी काम से गई थी और वहाँ मैं सुरक्षित थी, मैंने कोई शादी नहीं की। फिलहाल वो जो वीडियो चल रहा है वो गलत है, मेरा नहीं है, उस पर पाबंद किया जाए। मेरे पिताजी ने जो FIR दर्ज कराई थी वो मेरे ससुर के दबाव में आकर करवाई थी। कोई समाज की ओर से कोई धमकियां वगैरह मिली है? हाँ मिली है, क्या बोल रहे हैं कि हम इनको बाहर निकाल देंगे समाज से। जाऊँ मैं सुरक्षित हूँ और मैं लिव इन रिलेशनशिप में हूँ। पाली शहर के ट्रांस